नहीं, मैं इसलिए मैं भी देखना चाह रहा था क्योंकि काफी अरसे से क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि तन्नू बेट्स मनु रिटर्न्स बहुत ही अच्छी फिल्म है, कंगना जी के काम की बड़ी तारीफ थी, मैडी के काम की बड़ी तारीफ थी, तो मैं बड़ा कीद था देखने के लिए, लेकिन ट्रैवल कर रहा था, चाइना गया था, मैं इसलिए देख नहीं पाया था, तो आज मैं देख रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। मैं फिल्म देख लूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और वो अपनी बात हमारे सामने रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, उसकी भी बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने, लेकिन मैं देख नहीं पाया, तो ये सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। अच्छा, इस बार लोगों को सेकंड पार्ट अच्छा लगा है ज़्यादा, अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, कुश्ती आजकल मैं सीख रहा हूँ, हमारे ट्रेनर जो हैं वो नेशनल लेवल के कोच हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ, कृपा जी, और बड़े अच्छे कोच हैं वो, और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है ये कुश्ती के लिए बहुत अहम फिल्म है, हिंदुस्तान में कुश्ती को पॉपुलराइज करने के लिए, यंगस्टर्स में, बच्चों में, तो उसमें कृपा जी का बड़ा योगदान होगा। टीज़र मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप लोग ने देखा है? मैं फिर आज रात को देखूँगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा ट्रेलर होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी, सभी को इंतज़ार है, बजरंगी भाईजान का सभी को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। अभी नितीश जी ने किसी को फाइनल नहीं किया है वाइफ के रोल में, तो अभी कास्टिंग चल रही है, देखते हैं। नहीं, मेरे दिमाग में कौन, जो डायरेक्टर के दिमाग में होगा, मैं क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू।